किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि होली के टाइम पर अक्सर लोगों को होती है कि हम जो मिठाइयां अपने घर पर बना रहे हैं उसमें जो हम मावा इस्तेमाल करते हैं या जो हम गुजिया बनाते हैं उसमें जो हम मावा इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। ये हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन मार्केट से जो मावा हम लेके आते हैं उसके प्योर होने की गारंटी बहुत ही कम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने घर पर कम समय में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मावा कैसे बना सकते हैं, जिसको आप अपनी मिठाइयों में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिठाइयों को जो भी खाएगा वो हेल्दी रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर से मावा या खोया बनाने के लिए हमको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बार देख लीजिए। तो ये मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसके साथ मैंने आधा कप दूध लिया है। ओके, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है दूध, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, उबाल कर नॉर्मल कर लिया है। ओके, और इसके अलावा मैंने एक चौथाई कप देसी घी लिया है। तो ये मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये देखिए, एक कप मिल्क पाउडर, आधा कप दूध और चौथाई कप देसी घी, बस इतना ही सामान हमको चाहिए और हमारा जो मावा है वो फटाफट बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, मैंने पैन गैस पर चढ़ा दिया है और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है, और इसमें मैंने जो घी लिया था एक चौथाई कप जो हमने घी लिया था देसी घी, उसको मैंने इसमें परख लिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर उसके बाद इसमें हम दूध मिलाएंगे। ये देखिए, घी जो है हमारा गर्म हो गया है। अब जो हमने दूध लिया था, दूध मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, दूध हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम बस एक इस तरीके से मिक्स कर देंगे और एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया है इसको हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। ओके, तो ये देखिए, मैं अभी थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालूंगा इस तरीके से और इसको हम चला लेंगे, इस तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे, और इसी तरीके से हम सारा मिक्स पाउडर, सारा मिल्क पाउडर इसमें मिलाकर इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैंने और थोड़ा डाल दिया है और इसको भी मैं इस तरीके से चला रहा हूँ। ये देखिए, मैंने सारा इसमें डाल दिया है जो मिल्क पाउडर था, और इसको हम अच्छे से अब चलाएंगे और इसके जो लम्स हैं ये हम सारे अभी रिजॉल्व कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको इस तरीके से दबा कर तो सारे लम्स हम निकाल देंगे और बस 2-3 मिनट में हमारा ये खोया और मावा जो है एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा मावा जो है तैयार हो गया है और ये एकदम दानेदार खोया हमारा बना है। इसको आप किसी भी मिठाई में, होली का टाइम है, गुजियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और ये देखिए, ये इसको बनाने में मुझे 4-5 मिनट लगे हैं, और जब ये इस तरीके से पूरी कढ़ाई में चिपकना बंद कर दे, एकदम कढ़ाई को छोड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मावा जो है, जिसको आप खोया बोलते हैं, एकदम रेडी है। आप गैस बंद कर सकते हैं और इस सारी कुकिंग हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करी है, गैस को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ओके, तो ये देखिए, मावा एकदम रेडी है। आप इसको अपने घर पर मिठाइयों में, गुजियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट खोया हमने बनाया है, बहुत ही आसानी से आप बहुत ही आराम से अपने घर पर बना सकते हैं। इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी और भी रेसिपीज मिलती रहें। ओके, बाय, टेक केयर।